नमस्कार किसान भाइयों, आपने सारी वीडियो देखा है हमारे खेत की। हमने क्या क्या प्रक्रिया की है, बोनी से लेकर दवा से लेकर खाद से लेकर हर चीज़ के बारे में बताया है हमने आपको। खरपतवार नाशक का भी रियल के बारे में बताया है, लेकिन आज हम करने वाले हैं दूसरी बार यूरिया का छिड़काव, क्योंकि हमने पहली बार में ही जिंक का उपयोग कर लिया था यूरिया के साथ। जिंक पहले फेंक दिया था, फिर इसमें दूसरी बार में हमने यूरिया और MOP का उपयोग किया था। आज हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। ये 2 महीने से ज़्यादा की दो महीने की फसल हो चुकी है। बने रहिए वीडियो में, हम डालते हैं अभी इस खेत पर और खरपतवार के बारे में सारी जानकारी दे दी है आपको। बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी कल ही बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है काफ़ी मात्रा में, तो अभी ये यूरिया खाद आसानी से घुल जाएगी। सुबह के टाइम है अभी। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यूरिया फेंकना चालू हो गया है। अभी हमने फेंक दिए हैं अभी यहाँ तक, और यहाँ से अभी भाई स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने इधर से खड़ी लाइन फेंक दी है और अब इधर से आड़ी लाइन जा रही है। देखिए कितने कीचड़ में अभी धान में छिड़काव करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, बहुत मेहनत का काम होता है खेती का। इसमें 3 बार स्प्रे कर दिए हैं और अब दूसरी बार ये अभी हम खाद का स्प्रे कर रहे हैं। फिर इसके बाद यदि हो सके यदि तो हम इसमें टॉनिक का भी स्प्रे करेंगे, उसका भी वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। ऐसा ले ले आके देना पड़ता है खाद को बोरी में इतनी दूर तक। अभी ये सारा खेत कंप्लीट करना है। अभी खरपतवार भी कुछ कुछ मरी है, कुछ कुछ नहीं मरी है। लगभग 90% तो मर गई है और लगभग 10% खरपतवार बची हुई खेत पर। किसान भाइयों देखिए, अभी बारिश में अभी हम यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं और खरपतवार भी देखिए काफ़ी पूरी सूख चुकी है हैदर साइड की। ये देखिए पूरा ख़त्म हो गई है पूरा अच्छे से, और बस लास्ट फेरा ही बचा है इसमें खाद डालने के लिए। किसान भाइयों देखिए, अलग अलग प्रकार के खरपतवार है। चौड़ी पत्ती की है, साकरी पत्ती के लिए हमने बिग सुपर का उपयोग किया है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कुछ कुछ जगह में छूट गई थी तो हमने बाद में स्प्रे किया है, जो पीला पीला दिख रहा है अभी। और ये अलग अलग प्रकार की खरपतवार उग रही हैं, जो बेला नमुआ जी देखिए, चौड़ी पत्ती साकरी पत्ती की। इधर साइड थोड़ी हाइट कम है धान की फसल की और उधर हाइट थोड़ी अधिक है। अभी 2-3-4 दिन में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर हम इसका रियल दिखाएंगे कि कितना असर हुआ है यूरिया खाद का धान की फसल में। अभी नमी है तो हमने इसको अच्छे से सुबह टाइम अभी डाल रहे हैं, नहीं रहता तो फिर शाम के टाइम डालते। यदि बारिश की संभावना रहती तो अभी भी बारिश हो सकती है। लगभग 2 बोरी यूरिया खाद डाल चुकी है 2 एकड़ के खेत में। हमने थोड़ा कम ही डाला कुछ जगहों पर जहाँ पर अधिक चारा था। इसी तरह की शानदार जानकारी एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।